और हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री कहेंगे नेहरू जी, वो इलेक्ट्रिक ट्रिमर भी यूज करते थे, वो इलेक्ट्रिक कैटल भी यूज करते थे। और ये है आनंद भवन का परिसर, सामने जो देख रहे हैं ये सर्वेंट क्वार्टर्स रहे होंगे उस समय के। दो मंजिला इमारत है, ये 1899 में उन्होंने खरीदा। तो उस समय इस तरह के जो भवन थे वो होना या तो राजाओं पर या राजाओं के वहाँ जो नौकर हुआ करते थे उनके पास हो सकते थे। आम जनता ऐसे भवनों के घरों के बारे में सोच भी नहीं सकती। अभी मैं हूँ आनंद भवन प्रयागराज के अंदर। आनंद भवन ये कभी बंगला या रेजिडेंस हुआ करता था नेहरू फैमिली का, जिसमें मोतीलाल नेहरू रहे, जवाहरलाल नेहरू भी रहे और कुछ समय इंदिरा गांधी भी रही। अच्छा, यहाँ की जो भव्यता है उसे देख के पता चलता है कि हाँ, वो परिवार साधारण नहीं था, वो असाधारण बैकग्राउंड से था। और अच्छा, आप सब ने इलेक्ट्रिक शेवर माने ट्रिमर या इलेक्ट्रिक जो बोलते हैं टोस्टर, ब्रेड गर्म करने वाली मशीन, और इलेक्ट्रिक इसके बाद आती है इलेक्ट्रिक कैटल कब सुनी, मतलब कब आपको पता चला कि ऐसी चीज़ें होती हैं? मुझे लगता है कि शायद पिछले 21 सालों में, परंतु यहाँ पे वो चीज़ें पिछले 50 सालों से थी। और हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री कहेंगे नेहरू जी, वो इलेक्ट्रिक ट्रिमर भी यूज करते थे, वो इलेक्ट्रिक कैटल भी यूज करते थे, और बहुत छोटी छोटी प्रेस थी। प्रेस माने जो आयरन होती हैं, जो कि कभी ट्रेन से गए तो उसमें आयरन करने का, कपड़ों को प्रेस करने की ज़रूरत होगी तो उसके लिए बड़ी छोटी छोटी प्रेस होती थी भाई, जो आप कैरी कर सको। तो उस सतर की भव्यता यहाँ पे थी, उस सतर की सुविधाएं यहाँ हैं, जो आप देख सकते हैं कि हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री एवं उनका परिवार किस प्रकार की हार्डशिप से गुजरा, कैसी कैसी सुविधाएं उन्होंने देखी। मुझे नहीं लगता कि उस समय के भारत में बहुत ज़्यादा लोग थे जो इस प्रकार की सुविधाओं से लैस घरों में रह रहे थे। बाकी चलो, जो भी है अच्छा है, इतिहास है तो वो हमें मानना पड़ेगा, अब चाहे जैसा भी हो। इसके बाद दूसरा भवन है यहाँ पर स्वराज भवन। स्वराज भवन क्या था कि वो पहले इनका अपना घर हुआ करता था जिसका नाम आनंद भवन था, परंतु कुछ समय बाद जैसे ही वो कांग्रेस पार्टी को दिया गया पूर्ण रूप से कार्यालय बनाने के लिए, तो उन्होंने इसके बगल वाला बंगलो खरीद लिया और उसको आनंद भवन का नाम दिया। ये है आनंद भवन का परिसर, सामने जो देख रहे हैं ये सर्वेंट क्वार्टर्स रहे होंगे उस समय के। और मेरे जस्ट दाएं तरफ ये है वो मुख्य जो भवन था, आनंद भवन। भव्य तो था ही, दो मंजिला इमारत है। और अगर उस समय की बात करें 1930 की या और उससे पहले की, 30 से पहले ये खरीद चुके थे जो मोतीलाल नेहरू इसको, शायद 1899 में उन्होंने ख़रीदा। तो उस समय इस तरह के जो भवन थे वो होना या तो राजाओं पर या राजाओं के वहाँ जो नौकर हुआ करते थे उनके पास हो सकते थे। आम जनता ऐसे भवनों के घरों के बारे में सोच भी नहीं सकती। यहाँ आनंद भवन और स्वराज भवन जो दोनों बंगलों हैं ये बिल्कुल अगल बगल में हैं, तो बस एक दीवार है बीच में। दूसरा, इसमें पूरी प्रदर्शनी लगी हैं जवाहरलाल नेहरू के जीवन पे और जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी के जीवन पे। उसमें उनका पूरा जो लाइफ सर्कल है, कैसे उनकी शुरुआत हुई जीवन की, बचपन में कैसे थे, आगे कैसे हुआ, पढ़ाई कहाँ कहाँ से की, वो सारा कुछ इतिहास वहाँ दीवारों पर छोटे छोटे पोस्टर्स लगे हुए हैं उनमें दिखता है। दूसरा, अगर इस परिवार की बात करें तो मोतीलाल नेहरू अपने समय के जाने माने वकील हुआ करते थे, और वकालत से उन्होंने अच्छा पैसा कमाया और यहाँ इलाहाबाद के जो रईस लोग थे उनमें उनका नाम गिना जाने लगा। उससे पहले भी जो नेहरू परिवार था, इसकी कई पीढ़ियाँ राजाओं के यहाँ पर जो होते हैं दरबारों में उनके काम किया करते थे, उनके पिताजी, दादाजी, परदादा ऐसे, तो रईस तो ये पहले से ही थे, पैसा इनके पास पहले से ही था। बाकी जैसे ही मोतीलाल नेहरू अपना जीवन शुरू करते हैं, वकालत शुरू करते हैं, तो वो बढ़िया पैसा कमाते थे तो उनका भी नाम जाने माने जो पैसे वाले लोगों में आने लगा। तो उसी के कारण उन्होंने ये, फिर बाद में पैसा आया तो ये बंगले खरीदे,
और बताया जाता है कि ये जो आज का जो आनंद भवन बंगला है, ये किसी उस समय का जज हुआ करते थे कोई, उनसे ये खरीदा। बाकी मोतीलाल नेहरू दो बार अपने जीवन काल में कांग्रेस पार्टी, जो उस समय अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, उसके अध्यक्ष रहे। और तो होता क्या है कि भाई जब पिता है तो वो पुत्र के लिए भी सोचता है, और पुत्र है तो वो अपनी पुत्री के लिए सोचता है। तो ऐसे वो जो बोलेंगे डायनेस्टी है वो चलती गई पॉलिटिक्स में या कांग्रेस में, आज भी कहीं ना कहीं विद्यमान है। देखो समय के अनुसार उसमें कुछ बदलाव होंगे या नहीं, परंतु यहाँ अगर इलाहाबाद अगर कोई आता है प्रयागराज, तो आनंद भवन तो ज़रूर आए। कम से कम आप उनका जो जीवन यापन था, तरीका था, विलासिता थी, वो भी देख पाएंगे। हाँ, ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू अब तक के शायद सबसे अमीर प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि उनके बाद प्रधानमंत्री बनने से पहले तो कोई अमीर नहीं था। हाँ, बाद में कोई बन गया हो तो वो कह नहीं सकते। चलिए आगे चलते हैं अपनी यात्रा में, संगम की तरफ, देखेंगे वहाँ क्या क्या मज़ेदार चीज़ें मिलती हैं।